हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ सो ऑसम। तो आज हम लोग विजिट करने वाले हैं चौ महल पैलेस। यहाँ पे निज़ाम्स रहा करते थे। तो दोस्तों, पैलेस को देखते हुए थोड़ा बहुत हिस्ट्री को भी जान लेते हैं। तो बहुत सारी रोचक बातें हैं इस पैलेस को लेके। तो शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तो ये उतना भी बोरिंग होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, नवाब्स है, लंदन है, और ढेर सारे करोड़ों रुपए फंसे हैं लंदन के बैंक में। तो ये जमा किए गए थे निज़ाम से 1948 में, और कोर्ट का फैसला आया 2020 में। तो ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, पाकिस्तान कैसे इसमें आया, तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही रोचक वाली स्टोरी होगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस सफ़र में। तो दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत याद दिला दूं कि गोलकुंडा फोर्ट का ब्लॉग जब मैंने बनाया था, तो उसमें ये कहा गया है कि काकतिया डेंसिटी, तो इसको अक्वायर किया गया था औरंगज़ेब ने। तो औरंगज़ेब जैसे ही अक्वायर किया, तो निज़ाम उनके हाथ में दिया एडमिनिस्ट्रेटिव करने के लिए, और चले गए वापस। तो वहाँ पे वापस जाने के बाद में औरंगज़ेब के दोनों बेटों में झगड़ा हुआ, और उनकी संतनत वहीं पे ख़त्म हो गई। तो अभी निज़ाम्स ऑटोमेटिकली किंग बन गए हैदराबाद के। जब भारत आज़ाद हुआ, निज़ामों की मुश्किलात बढ़ गए। जैसे ही आज़ादी के बाद में छोटे छोटे प्रांत इकट्ठे बन गए भारत, तो एक भारत देश बन गया। मगर तीन ऐसे प्रांत थे जो भारत के साथ ज्वाइन होने के लिए रेडी नहीं थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो ये तीन प्रांत ऐसे थे, उनके अलग से एक देश बनाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ कुछ शर्तों के साथ भारत के साथ ज्वाइन हो गए, मगर हैदराबाद जो है वो फिफ्थ रिचेस्ट प्रांत माना जाता था उन दिनों में, तो वो पूरी तरह से सक्षम थे अपना खुद का देश बनाने जितना। तो उसी के साथ उन्होंने इनकार कर दिया भारत के साथ ज्वाइन होने के लिए। 1948 में जब इंडिया ने प्रस्ताव भेजा हैदराबाद को ज्वाइन होने के लिए, तो मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी यहाँ के निज़ाम्स थे। तो निज़ाम का मतलब उर्दू में ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करने वालों को निज़ाम्स कहते हैं, और हैदराबाद में ऑलरेडी एक फुल फ्लेज्ड कंट्री की तरह रेडी था, क्योंकि वो उनकी अपनी करेंसी थी, इंडिया की करेंसी को नहीं मानते थे, अपनी खुद की रेलवेज थी, पोस्टल डिपार्टमेंट था, तो एक फुल फ्लेज्ड कंट्री की तरह ऑलरेडी वो काम कर रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो फाइनेंशियली कितने स्टेबल और स्ट्रॉन्ग थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं निज़ाम्स के बारे में बताने के लिए, जैसे कि उनके पास इतने सारे मोतियाँ थे, अगर उनको रास्ते पर फैला दिया तो किलोमीटर तक रास्ते चुप जाते थे, और उनके पास फिफ्थ लार्जेस्ट डायमंड हुआ करता था, जिसको वो पेपर वेट की तरह यूज़ करते थे। और जब क्वीन एलिजाबेथ की शादी हुई, तो सबसे महंगा गिफ्ट भेजने वाले हैदराबाद के निज़ाम्स थे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को बहुत इंटरेस्ट था हैदराबाद पे, मगर हैदराबाद एक ऐसे जगह पे लोकेटेड है जो जियोग्राफिकली वो कहीं पे भी पाकिस्तान के साथ नहीं मिल सकता था। तो उसके वजह से निज़ाम्स तो हमेशा चाहते थे कि वो उनका अलग सा एक देश बनाना पसंद करते थे।
ये डिसाइड किए कि हैदराबाद पे चढ़ाई करेंगे और जीत से ही हैदराबाद को हासिल करेंगे। इस लड़ाई के लिए नेहरू जी नापसंद के साथ हाँ कहना पड़ा और वहाँ पे आर्मी को भी नहीं भेज सकते क्योंकि तब तक वो हैदराबाद इंडिया के अंदर नहीं था, और अगर आर्मी को भेजते तो ये माना जाता था कि एक देश दूसरे देश पे हमला किया है और उसके वजह से यूएन में भी प्रॉब्लम हो सकता था और दूसरे देश भी जो मुस्लिम देश हुआ करते थे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे निज़ाम्स के, तो वो भी इस युद्ध में शामिल हो सकते थे। तो ये था मुश्किलात हैदराबाद पे चढ़ाई करने का। हैदराबाद पे चढ़ाई करने से पहले एक सीक्रेट मिशन का प्लान किया गया और उस सीक्रेट मिशन का नाम दिया गया पोलो, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पोलो ग्राउंड्स हैदराबाद में है। 13 सितंबर 1948 को इंडिया ने हैदराबाद पे चढ़ाई किया और हैदराबाद के पास भी बहुत सारे सोल्जर्स थे और उनके खास एक सोल्जर का टुकड़ी जो था वो 2 लाख सोल्जर्स थे उसमें, और वो बहुत ही अहम और निज़ाम को सिक्योरिटी देने के लिए खास सोल्जर्स माने जाते थे। 5 दिन के इस लड़ाई में मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी ने सरेंडर किया और इस तरह हैदराबाद शामिल हो गया इंडिया में। निज़ाम्स को ये पता था कि आज नहीं तो कल इंडिया जो है हैदराबाद पे चढ़ाई करेगा, तो उसके वजह से उन्होंने 89-90 crores जो है पाकिस्तान के एक एम्बेसडर जो लंदन में थे उनका एक बैंक अकाउंट था नेटवेस्ट में, तो उसमें ये जो 90 crores जमा करवाया और सोचा कि ये सेफ रहेंगे। तो ये हुआ लड़ाई से पहले, तो ऐसे उन्होंने प्रिकॉशन बरका और थोड़ा बहुत पैसे वहाँ पे उन्होंने जमा कर दिया था। तो ये हुआ कि लड़ाई के बाद में सब कुछ नॉर्मल तो हो गया, मगर वो पैसे जो है वो वहीं पे पड़े रहे और निज़ाम्स को भी पता था कि वो पैसे का कुछ नहीं होने वाला है, वो वहीं पे सेफ रहेंगे। तो 1967 में जब मीर उस्मान अली खान सिद्दीकी जो बीमार थे तभी अपने बेटे को ये जानकारी दिया कि हमारे पैसे लंदन के एक बैंक अकाउंट में है और पाकिस्तान के एम्बेसडर के थ्रू वहाँ से आप ले सकते हो। 8वें निज़ाम मुकर्रम जे, तो इन्होंने पाकिस्तान के एम्बेसडर को रिक्वेस्ट किया उनके फादर के पैसे लौटाने के लिए, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया कहते हुए कि ये पाकिस्तान का पैसा है और ये आपको वापस नहीं दिया जाएगा। यहीं से कानूनी लड़ाई शुरू हुआ। तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो रीजंस यहाँ पे दे रहे थे कहते हुए कि जब भारत और हैदराबाद के बीच में लड़ाई हुआ तो हम लोगों ने आर्म्स भेजे, तो ऐसे कुछ रीजंस देते हुए वो टाल रहे थे इन पैसों को वापस लौटाने के लिए। कोर्ट में जब एक केस शुरू हुआ तो ये बहुत लंबा खींच रहा था और ऐसे भी नौबत आया कि पाकिस्तान और निज़ाम्स जो थे वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का भी सोचा, मगर किसी वजह से वो बात नहीं बन पाया। उसके बाद में निज़ाम्स जो थे वो इंडियन गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट किया, तो उसके बाद में इंडिया भी इस कोर्ट केस में शामिल हो गए। बहुत सारे लड़ाई के बाद में और बहुत सारे कोर्ट्स भी चेंज हो गए, तो आखिर में रॉयल जस्टिस ऑफ कोर्ट, तो यहाँ पे जाके ये फैसला हुआ कि ये पैसे निज़ाम्स के हैं और इंडिया भी इसमें साथ दिया, तो इसके 3 हिस्से होंगे। तो आखिर में जब डिपॉजिट किए गए थे वो 89 crores
तो अभी जब अमाउंट रिलीज हो रहा है तो वो अमाउंट है 350 करोड़ के आसपास। तो ये तीन हिस्सों में होंगे और हर एक को एक एक अरब रुपए तो ज़रूर मिलेगा। इन तीन हिस्सों का हकदार होंगे मुकर्रम जय, मुफ्त जय और इंडिया। तो ये तीन हिस्से होंगे इस पैसे का। तो ये था निज़ाम्स की कहानी, और जो अभी हम चौमहल में है तो यहाँ पे जब इंडिया ने एक्वायर करने के बाद में जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पे आए थे इस बिल्डिंग के अंदर। तो ये बिल्डिंग जो है इन सभी चीज़ों का विटनेस करता है। जब भी हम ऐसे जगहों पे विज़िट करते हैं उसके हिस्ट्री जानने से आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा वहाँ पे 2 लाख सोल्जर्स थे, तो उनके फ़ोटोज़, उनके जो आर्मरीज जो यूज़ करते थे तो वो सभी रखा गया है। और निज़ाम्स के जो चीज़ है जो उनके यूज़ करते हुए बर्तन वगैरह, तो उनको अभी भी देखते हैं तो इतना शाइनिंग है उसमें, तो आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि वो किस तरह के क्वालिटी के थे। तो थोड़ा बहुत तो इस जगह का हिस्ट्री पता चलने से आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब आप विज़िट करते हैं। इसके एंट्रेंस देख के आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगेगा कि आप इतने बड़े पैलेस के अंदर दाखिल हो रहे हो, जैसे मेरे साथ हुआ। ये पैलेस जो है बहुत ही भीड़ वाली जगह पे है, बहुत ही छोटे रास्तों से, गलियों से जो गुज़रता है, तो उन गलियों के अंदर से आपको ये चौमहल पैलेस के एंट्रेंस मिलेगी। तो उसके वजह से मैं भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया था। यहाँ पे अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो एक बात की ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सिर्फ मोबाइल्स अलाउड है, किसी और तरीके के कैमरास अलाउड नहीं है। और 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे मोबाइल से अगर आप वीडियो शूटिंग करना चाहते हैं। चौ महल यानी चौ यानी चार, महल यानी पैलेस। तो इस कंपाउंड के अंदर चार पैलेसेस आपको दिखाई देंगे।